किसी भी इंजीनियर के लिए उसका एक सपना होता है कि ही वांट्स टू बिकम आईईएस, और आईईएस के थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन के बाद फिर ख्वाहिश होती है कि मेरी अच्छी रैंक आ जाए, और अच्छी रैंक के बाद फिर वो सोचते हैं कि मैं टॉप कर जाऊँ। तो आज हमारे साथ हैं लोहित कुमार यादव, जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी में रैंक वन हासिल की है, और इस रैंक वन के पीछे इन्होंने कैसे पढ़ाई की, क्या इनका स्ट्रेटजी रही, और अपनी पढ़ाई में इन्होंने किस चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया, वी वुड लाइक टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो आइए जानते हैं लोहित से कि आपने कैसे पढ़ाई की। लोहित, पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, क्या आपने बैकग्राउंड क्या है आपका। सर, लोहित कुमार यादव, मैंने जो कॉलेज है मेरा श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, तो मैं 2014 का पास आउट हूँ वहाँ से, और फिर मैंने 2 साल जॉब किया हुआ है गुड़गांव में फ्लोर डैनियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे मैंने 2 साल जॉब किया, और उसी दौरान मैंने मेडीजी ज्वाइन कर लिया था। और फिर तो आप वीकेंड कोर्स में करते थे जॉब? जी सर, मैंने जनवरी में जो पहला बैच था मैकेनिकल का उसमें ज्वाइन किया था, और फिर वहाँ से मेरा सफ़र चालू हुआ था सर। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से आते हैं और जॉब के साथ साथ इन्होंने प्रिपरेशन की। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी रिमार्केबल एंड इम्पॉर्टेंट। और इंजीनियरिंग सर्विसेज की जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो क्या आपने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज को कंबाइंड टारगेट बनाया, या आप पूरी तरह से डिटरमाइंड थे कि मुझे गेट की नहीं बल्कि आईईएस की तैयारी करनी है? सर, जब मैं जॉब करता था तो पहले गेट की तैयारी इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि मुझे कहीं लगता था कि ईएससी शायद ना हो पाए जॉब के साथ। अच्छा। तो मैंने पहले 7 महीने गेट की तैयारी की है, ईएससी जब हो रहा था साथ साथ मैं ईएससी क्वेश्चन लगाता था चेक करने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो सर, मैंने ये 7 महीने की है तैयारी, उसके बाद जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि अब मैं तैयार हो गया हूँ, नाउ टू नेक्स्ट टू गो लेवल अप, तो मैंने उस दौरान फिर मैंने डिसाइड किया। तो गेट में आपकी क्या रैंक थी, गेट 2018 गेट में 17 में 884 रैंक आई थी सर मेरी, 884। यस सर। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो आपने रैंक वन लिया है। जी सर। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में जैसे 3 स्टेजेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो तीनों स्टेजेज में आपने प्रीलिम्स में कैसे तैयारी की, मतलब ऑब्जेक्टिव पर फोकस किया या मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर रहे थे? सर, मेरा हमेशा से ऑब्जेक्टिव स्टेप बाय स्टेप जाने का रहा है। जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था तो बिल्कुल प्रीलिम्स में ही मेरा फोकस रहा था। मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन करता था कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाने के लिए, बट मेन ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान था मेरा। और सर, क्योंकि इस बार जीएस पेपर 1 ऐड हुआ था, तो सर उसमें मेरा मेन फोकस उस पे था बिल्कुल। मतलब जीएस पेपर 1 की आपने अच्छे से तैयारी की और ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया, गेट की वजह से आप गेट में प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव पर आपका फोकस रहा होगा। जी सर। जब प्रीलिम्स हो गया और गेट का एग्जाम भी हो गया, तो उसके बाद फिर आपने मेंस के लिए क्या किया, आपने मेंस में कैसे प्रिपरेशन की? सर, मेंस के लिए पहले मैंने मेडीजी में कन्वेंशनल क्लासेस ज्वाइन कर लिया, और साथ साथ में मैं घर पे प्रीवियस ईयर भी लगाना चालू कर दिया था मैंने, और जैसे टीचर्स हमारे गाइड कर रहे थे उस हिसाब से मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किए, और मैंने साथ में टेस्ट सीरीज भी ली, तो यहाँ से पूरा प्रिपरेशन बन गया था मेरा कन्वेंशनल को लेकर। टेस्ट सीरीज में आपकी क्या रैंक आती थी, क्या आपकी परफॉर्मेंस टॉप 10, टॉप 15 में या टॉप 5 में रहती थी? हाँ सर, मैं इनिशियली मैंने हमेशा मेंस टेस्ट सीरीज, मेरा ऑब्जेक्टिव रहा है कि क्वेश्चन प्रॉपरली सिलेक्ट हो, तो इनिशियली थोड़ा सा नहीं हो पाता था रैंक उतना अच्छा, बट उसके बाद टॉप 20 में ही ग्रेजुअली आप टॉप 10, टॉप 20 में अपना रैंक मेंटेन करने लगे। वेरी गुड। उसके बाद फिर इंटरव्यू का स्टेज आया, तो इंटरव्यू में आपके क्या स्कोर रहा और इंटरव्यू में आप कैसे आपने प्रिपरेशन की? सर, इंटरव्यू मेरा स्कोर 126 था आउट ऑफ 200, और सर मैंने तैयारी क्योंकि इस बार इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, और ये तो आपका ज़्यादातर इंटरव्यू टेक्निकल बेस्ड हुआ? जी सर, 90% ऑफ द टाइम वो टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछा गया, तो सर वो टेक्निकल बेस रखना, और हम डीएफ को भी मेन फोकस रख के तैयारी की थी। और जॉब से भी पूछा उन्होंने इंटरव्यू में? नहीं सर, जॉब से मेरा नहीं कुछ पूछा गया था। अच्छा, और गैप के बारे में कुछ कि आपका 2 साल का गैप है, 2014 पास आउट है? नहीं सर, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं हुआ। गैप सर वो उसी गैप में, क्योंकि आप जॉब में थे इसलिए गैप रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। जी सर। वेरी गुड। आपका प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में क्या स्कोर रहा? सर, प्रीलिम्स में मेरा टोटल स्कोर 313 था, मेंस में 398 आउट ऑफ 600, और इंटरव्यू में 126 आउट ऑफ 200, सो टोटल 837 आउट ऑफ 1300। वेरी गुड।
अगर हम सभी सब्जेक्ट्स की बात करें जैसे टेक्निकल में, तो आपको आप क्या सजेस्ट करेंगे आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, कि आप किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो जो ज़्यादा स्कोरिंग होते हों एग्ज़ाम में? सर मुझे ऐसा लगता है कि हर कैंडिडेट के अपने अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज होते हैं। मेरे भी अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज है, तो मैं कहूँगा कि जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है आप उन पर नॉर्मल फोकस रखें, बट वीक एरियाज को भी इम्प्रूव करते चले, क्योंकि सर वो क्यूमुलेटिव टोटल पेपर वो उन्हीं सब्जेक्ट में से बनेगा, तो हमें सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना होगा। ठीक है, और जैसे आप तो जॉब में थे, घर में भी पढ़ाई करने का टाइम कम मिलता होगा, जी सर, क्लास भी आते थे वीकेंड में, तो रफली कितने आवर्स आप घर में पढ़ाई कर लेते थे? सर जब जॉब पे था तब सर मिनिमम 4 आवर्स मैं देता ही था रेगुलर। अच्छा, जॉब के साथ 3 से 4 घंटे आप मिनिमम देते ही थे। जी एग्जाम में कुछ छुट्टियां भी ली होंगी आपने प्रिपरेशन करते समय? सर मैंने जॉब छोड़ दिया था। अच्छा, अगस्त 2016 में जॉब छोड़ के फुल टाइम पर आ गए? जी सर, फिर फुल टाइम में लग गए। वेरी गुड। तो इसके अलावा जैसे कुछ और चैलेंजेज आते हैं जब हम पढ़ाई करने लगते हैं, तो कुछ हमारे एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है बीच में, कुछ ऐसी स्टेज आती है कि जब हमारा मोमेंटम डाउन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप अपने आप मोमेंटम को कैसे गेन करते थे? सर मैं इसे ट्रिगरिंग पॉइंट कहूँगा, मतलब इसमें मूड ट्रिगर करना होता था। तो सर मैंने 2 ऑप्शन रखे थे अपने पास। एक पहला ऑप्शन में मैं घर पर कॉल करता था और मैं मम्मी से बात करता था, मैं उनसे वो गाइडेंस लेता था कि कैसे आप रेगुलर वही काम कर रहे हैं, स्टिल अभी तक आप कोई अप्रिसिएशन नहीं, वही काम कर रहे हैं तो कैसे वो करते हैं, तो वो कुछ बता देते मुझे। तो सर एक ये ऑप्शन था। सेकंड था सर मैं, मेरे पास 2 सॉन्ग्स थे, मैं उनको काफ़ी तेज़ आवाज़ करके सुनता था और उस टाइम पे ही मैं तैयारी पढ़ाई करते रहता था। अच्छा, ताकि मोमेंटम ना छूटे। तो सर तो ये फिर मेरे को रियलाइज हो जाता था। इंटीग्रेट कर दिया म्यूजिक को अपनी पढ़ाई से? जी सर, तो काफ़ी हेल्प किया सर उसने मुझे। वेरी गुड। अच्छा, जो आप जैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से आते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आपने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है, तो आपका क्या मानना है कि जो सेलेक्ट होकर के टॉप करके बच्चे जाते हैं, जैसे आपने भी टॉप किया, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं की वो कर सकते हैं, या फिर कॉलेज की अच्छी पढ़ाई होना ज़रूरी है? सर मैं कहूँगा ऐसा इतना रिक्वायरमेंट नहीं है इस एग्ज़ाम को लेके। आप अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे आपको प्रिपरेशन करना है उस टाइम पे आप अपना 100% बेस्ट दे रहे हो, तो फिर आप निकाल सकते हो ये पेपर भी। तो आप पहले से कॉन्फिडेंट थे कि आपका ईएस में हो जाएगा, या ये कॉन्फिडेंट थे कि आप अच्छी रैंक ले आएंगे? नहीं सर, ये स्टेप बाय स्टेप आया। मैं पहले कॉन्फिडेंट, मैं ईएस की तैयारी नहीं कर रहा, जैसे मैंने बताया कि मैं पहले गेट पे फोकस था, फिर धीरे धीरे जब मैं प्रिपेयर करते गया, ईएस का प्रिपेयर करते गया, तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपका। हाँ सर, एक्चुअली मैंने डिसीजन जो है जॉब छोड़ने का वो भी क्लास में ही लिया था। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास है सर संडे, एंड उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ चीज़ें वैसी कन्वर्ट हो रही है, और सर उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मंडे जाते ही रेजिग्नेशन दे दूंगा। चांस, यस सर, दैट्स ग्रेट। अनलेस एंड अनटिल वी टेक सर्टेन चांसेस और वी टेक सर्टेन बोल्ड डिसीजंस, वी आर नॉट एबल टू अचीव समथिंग व्हिच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड वेरी हाई वैल्यूड। लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है तो हमें कुछ बोल्ड डिसीजंस एंड बोल्ड स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे। आपका क्या आगे सिविल सर्विसेज का भी प्रोग्राम है, या कुछ ऐसा आपने सोचा है, या फाइनली इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवेज में ही आप जा रहे हैं? नहीं सर, नेक्स्ट स्टेप तो सिविल सर्विसेज ही की तैयारी चालू करनी है मुझे इसके बाद। तो ये कॉन्फिडेंस अब डेवलप हुआ या पहले से प्लान था? सर अब रिजल्ट आने के, मैं प्लान इंटरव्यू के बाद मैंने तैयारी चालू कर दी थी, बट अब जब रिजल्ट आया तो मुझे अलग अच्छा मोटिवेशन सा लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने क्या सोचा है, क्या रखेंगे? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखूंगा, क्योंकि मैकेनिकल, हाँ, लास्ट ईयर भी अच्छे मार्क्स आए हैं, 345 हैं और भी 326 मार्क्स भी हैं मैकेनिकल में, तो डेफिनेटली मैकेनिकल इज अ गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर सिविल सर्विसेज। अगर एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपसे एडवाइस लेना चाहूँ कि मुझे पढ़ाई करना है तो मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कि मतलब बुक्स पे फोकस करना चाहिए या मुझे क्लास नोट्स पे फोकस करना चाहिए, तो आपका क्या सजेशन होगा स्टूडेंट्स के लिए? सर मैं कहूँगा कि क्लास नोट्स पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर हमें अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम बुक्स पे जा सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना डोमेन फिक्स कर लें, और जितना हम कंसाइज वे में तैयारी करेंगे उतना अच्छे रिजल्ट्स हम ला सकते हैं। लोहित, एक और जो सवाल सभी लोगों के माइंड में रहता है कि लास्ट मोमेंट में समय कम होता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इतने ह्यूज सिलेबस को रिवाइज करने के लिए आप क्या कुछ करते थे? क्या आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए रिवीजन जहाँ पे आप कर सकते हैं, या आपने हैंडबुक की हेल्प ली, या आपने क्वेश्चन अपने नोट्स में ही कुछ ऐसे अंडरलाइन किया हुआ था, क्या किया था आपने?
सर मैं एक एलिमिनेशन मेथड फॉलो करता था जिसमें जो चीज़ें मेरे मुझे याद रह जा रही थी सर मैं उस क्वेश्चंस को उन टॉपिक्स को मैं एलिमिनेट करते चला जाता था। फिर नेक्स्ट टाइम रिवीजन में आप उसको छोड़ देते थे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, दैट इज़ गुड। तो एलिमिनेशन प्रोसेस जैसे लोहित ने बताया कि अगर आपको कोई चीज़ आती है तो उसको रिवीजन में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है या उसको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, न्यू थिंग्स, जहाँ पर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे भूल जाते हैं, उन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, उनके रिवीजन को आप बार बार कर सकते हैं। और लोहित, और कुछ ऐसा आपका लाइफ टाइम का कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जहाँ से आपने कुछ चीज़ें सीखी हो या आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सिखाई हो, ऐसा कुछ याद आ रहा है? जी सर, मैं जब जॉब छोड़ने के प्रोसेस में था तो काफ़ी एक महीने पूरा घर पे डिस्कशन, ऑफिस में डिस्कशन जो सीनियर थे मेरे, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता। उस टाइम पे थोड़ा ये डिलेमा था कि निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बहुत सारी चीज़ स्टेक्स पे लगी हुई थी। बट मैं कहना चाहूँगा जो अगर हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करें तो एट द एंड रिजल्ट भी आ जाएगा और सर हम खुद भी सेटिस्फाइड रहेंगे कि हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस था। 2017 में जब ये सिलेबस चेंज हुआ और नया पैटर्न यूपीएससी ने नोटिफाई किया कि प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा और मेंस के बाद फिर जब एग्ज़ाम आने वाला था तो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट सीरीज क्यू कैप के बारे में नोटिफिकेशन आया। और क्यू कैप में एक निर्धारित स्पेस होता है किसी आंसर को लिखने के लिए, तो आपने कैसे उस चीज़ को ध्यान में रखा कि मुझे मेरा आंसर उसे फिक्स्ड स्पेस में पूरा हो जाए? तो आपने कुछ प्रैक्टिस की या कैसे किया उसको? जी सर, जैसी मेडिसी से गाइडलाइंस भी आ गई थी हमें कि कैसे हो सकता है पेपर, और उसी तरीके से हुआ था। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व की थी उसमें भी काफ़ी हेल्प मिल गई थी समझने के लिए किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना है जो हम लोग डिलीवर करने वाले हैं वहाँ पे आंसर। तो सर वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी घर पे और उस और वही सेम चीज़ वहाँ पे डिलीवर की जब एग्ज़ाम हो रहा था। आप अगर स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें जिसमें आपका जो अपना एक्सपीरियंस है वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन बने और उसी तरह से अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट जब भी तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा अपना बेस्ट लगाए उसमें तैयारी करने में और हमेशा एक प्लान के साथ तैयारी करें। हैप्पीजैडली कोई भी चीज़ किसी भी टाइम पर नहीं चालू करना है, एक प्लान रहे पूरा कंप्लीट करते वक्त। और आखिरी महीने जो लास्ट मंथ होगा उस मंथ में काफ़ी अपने आप को रिलैक्स रखते हुए आराम से नोट्स रिवाइज करना एंड प्रैक्टिस करना साथ साथ करना। लास्ट मंथ में हाइपर हो गए तो सर फिर वो पेपर पूरा बिगड़ जाएगा। तो डेफिनेटली प्लानिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करते हैं और प्लान करके अपने टाइम को डिवाइड करते हैं कि ये मेरा स्टडी टाइम है, ये मेरा रिवीजन टाइम है, एंड देन दिस कैन डेफिनेटली इम्प्रूव योर एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग एंड इट कैन रिफ्लेक्ट इन द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। तो ये इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि एक तो प्लानिंग बहुत अच्छी हो और लास्ट मोमेंट में टेंस ना हो। उसके लिए आप पहले अच्छी पढ़ाई कर लीजिए और लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत करिए और लास्ट मोमेंट में अपना रिवीजन करके जो आपके अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस ज़्यादा करिए और जहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं उन पर ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। तो यही अप्रोच होना चाहिए। लोहित कुमार यादव ने जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उन्होंने बताया कि वो कैसे जॉब के साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज में टॉप कर गए और डेफिनेटली एक बार उनका ये अचीवमेंट एक रिमार्केबल अचीवमेंट होने के बाद देन ही डिसाइडेड टू गो फॉर दी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन ऑल्सो। तो डेफिनेटली इट कैन बी अ पाथ ऑफ सक्सेस विच हैज ऑलरेडी प्रूव्ड वन स्टेज एंड नाउ देयर इज अ सेकेंड स्टेज वेयर इट कैन बी प्रूव्ड फर्दर। तो इस तरह से आप आगे जा सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड यू कैन थिंक ऑफ एंड इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन लोहित से आप इनके फेसबुक में कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेरा में आप हैं? क्वेरा में अगर स्टूडेंट आंसर करना चाहें? सर क्वेरा में नहीं हूँ। अच्छा, फिलहाल अब अकाउंट बना लूँगा क्वेरा में। अच्छा, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स आपको फॉलो करेंगे और डेफिनेटली जो आपने रैंक अचीव की है उससे आप भी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर पाएंगे, स्टूडेंट्स भी बेनिफिटेड होंगे। सो थैंक यू वेरी मच लोहित and best wishes for your civil services preparation. For more details, visit www.madeeasy.in.